क्लब का मंगलवार से शुरू होगी। सीमा पार आतंकवाद पर चर्चा होगी, इसके साथ आर्थिक मामलों पर बातचीत हो सकती है। पहले राष्ट्रपति हैं और उन्होंने कहा कि यात्रा एक ऐतिहासिक। आज शुरू होने वाला है, इस बार हमारे शहर में हो रहा है और हम जाके अपनी फेवरेट टीम माइटी आर्यंस को देख सकते हैं। ओह, उनमें विराट भी होगा, कैप्टन विराट। दोस्तों चलो अपने माइटी आर्यंस टी शर्ट पहनते हैं। चलो माइटी आर्यंस आते ही होंगे, हम विराट को स्टेडियम के बाहर ही मिल सकते हैं। देखो माइटी आर्यंस आ गए, चलो। शानदार चौका, क्या बात है, लगता है आज विराट को कोई नहीं रोक सकता। शहजाद आपके ओवर की गेंद फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उनका लंबा और खतरनाक रनअप गेंद फेंकी, देखते हैं क्या होता है। और शहजादा ने अपना दूसरा विकेट हासिल किया है। बराबरी का चल रहा है, कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। प्लीज विराट जल्दी स्कोर करो। और एक बॉल से उठा दिया है छक्के के लिए। वाओ, विराट ने अचानक जबरदस्त स्ट्रोक खेलकर बाजी पलट दी है। को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, शहजादा भी नहीं। आज के बाद विराट कभी नहीं खेलेगा। चलो अपने प्लान के मुताबिक ऑपरेशन शुरू करो। राजू, क्या तुम्हें यकीन है कि विराट यहीं से जाएगा? हाँ, मैच के बाद बस तक जाने के लिए यही रास्ता है। पर कहाँ है विराट? बच्चे हमेशा मेरे लिए लकी चाम रहे हैं, तो फोटो हो जाए। बाय बच्चों, आज का मजा लो। मुझे यकीन नहीं होता कि विराट ने तुम्हें अपना कैप दिया है। आर्यनगर के फाइनल सिलेक्शन मैच में सबका स्वागत है। जो टीम जीतेगी वो आर्यनगर के क्रिकेट कंपटीशन में हमारे स्कूल की तरफ से जाएगी। तो सारे बच्चे जिनके पास येलो कार्ड है वो एक टीम में जाएंगे। हम फिर से एक ही टीम में हैं गोपी। और सारे रेड कार्ड वाले दूसरी टीम में। चार्ली बॉस हमारी टीम में फिर तो गए, बैटिंग कौन करेगा? मैं करूंगा। चार्ली बॉस, आप तो अच्छा खेलते हो, पर वो राजू की बॉलिंग थोड़ी। राजू क्या, अब तो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स भी आ जाए तो भी मेरी बल्लेबाजी पर सिर्फ चौके और छक्के ही पड़ेंगे। बारी है।
राजू और गोपी की तो ऐसे ही छुट्टी कर दूंगा। सिर्फ चौका मारा है, जब मैं छक्का मारूंगा ना फिर देखना राजू। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की राजू। चार्ली कोई बात नहीं, कल और तैयारी करके आना। कोई बात नहीं चार्ली, कल फिर मैच है। राजू कोई तरकीब निकालो चार्ली को आउट करने की। फिक्र मत करो गोपी, आज बॉलिंग चार्ली के बैट के टक्कर की होगी। चार्ली की बैट एक फास्ट स्पिनिंग बॉल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तेरा नाम तो फनी होना चाहिए था, क्योंकि तेरे स्ट्रोक देखकर मेरी हंसी छूटती है। ओए प्रशांत, हमसे जीतने के लिए तुझे दूध पीते बच्चे की हेल्प लेनी पड़ी। सनी और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन प्रशांत अपनी पारी की शुरुआत करने क्रीज पर तैयार। इतना बड़ा टारगेट, फिर भी दे आर काम। जोश नगर की बैटिंग काफी एक्सट्रीम थी, देखना यह है कि इनकी बॉलिंग और फील्डिंग क्या उतनी ही धुएंधार है। जोश नगर के ओपनिंग ओवर से काफी कॉन्ट्रास्ट, आर्यनगर के बैट्समैन काफी मुश्किल में। आर्यनगर की सिचुएशन काफी होपलेस, बैट्समैन चल के आते हैं पर फील्ड छोड़ते वक्त स्ट्रेचर पर जा रहे हैं। अब उनका एक बैट्समैन माइटी राजू आ रहा है क्रीज पर। घबरा मत बच्चे, सिर्फ दो तीन हड्डियां तोड़ूंगा, ज्यादा नहीं। माय गॉड, जोश नगर के फास्ट बॉलर क्रीज की तरफ टीम इंजन की तेजी से पढ़ रहे हैं। Come on! 1, 2, 3, 4 परफेक्ट एग्जीक्यूशन। और उस शानदार ग्लांस के साथ माइटी राजू लाए हैं थोड़ी जान वापस अपने पुराने स्कोरबोर्ड पर। जोश नगर प्लेयर्स में अचानक तनाव सा। लंबे हडल के बाद जोश नगर की टीम वापस पोजीशंस पर। चमके घुमा के तू शॉट लगा, आर्य नगर की टीम जीता। अरे विशाल, अचानक यूं लग रहा है कि जोश नगर की टीम से किसी ने सारी हवाएं निकाल दी। और यही बात शायद आर्य नगर के बैट्समैन को भी लगी होगी, क्योंकि दोनों ने ही अब सारे ऑफेंसिव स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं। सिक्सर, आर्य नगर का इस मैच में पहला सिक्स। That's out of the stadium. It's raining runs. Well, तो काउंटी T20 गोल्ड कप के नए चैंपियन हैं आर्यनगर।
और मैन ऑफ द मैच आई बेट कि आप सबको पता है वो कौन होगा।